हेलो डियर स्टूडेंट राइट, तो अभी रिग्रेशन एनालिसिस का हम लोग इक्वेशन वाला सम सॉल्व कर रहे हैं और स्टार्ट कर दो टाइम वेस्ट किए बिना। ठीक है, तो व्हाट वी आर गिवन टू इक्वेशन राइट, तो 3x प्लस 2y माइनस 26 इक्वल टू 0, 6x प्लस y माइनस 31 इक्वल टू 0, जिसमें से कोई बोला नहीं है कि कोई x ऑन y है कि y ऑन x है। तो फिर कैसे अपन रिग्रेशन कोरिलेशन निकालेंगे, r फाइंड करेंगे राइट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, और स्टार्ट पेज बड़ा सा मैं दो पेज का, पर लेट्स बिगिन। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, जो इक्वेशन है एज इट इज इसको दो अलग अलग साइड में लिख दो। ओके, क्योंकि अपनों को मालूम नहीं कि कौन सा एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स है, तो सेम इक्वेशन एज इट इज यहाँ लिख दो, 6x प्लस 5 माइनस 31। जब इक्वेशन लिख देंगे ना, तभी हम लोग को क्या करने का, वाई को लेफ्ट में रखो, बाकी सबको राइट साइड में शिफ्ट करो। वाई क्या है, 2y, वो यही रहेगा, सबको शिफ्ट करो। माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस आएगा, प्लस एक्स इधर आ जाएगा तो माइनस 3x। y को यही रखा, माइनस को इधर शिफ्ट किया, प्लस को इधर शिफ्ट कर दिया राइट। अब y के अभी क्या करेंगे, इक्वल लिखेंगे 26 माइनस 3x y के साथ क्या नंबर है, 2 है, तो ये दोनों को नीचे डाल दो, डिवाइड कर दो, मतलब 2 को भी नीचे ढकेल दो, y को अकेला रहने दो, तो ये तुम्हारा m1 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, m1। तो x के साथ क्या वैल्यू है, x के साथ माइनस थ्री अपॉन टू, तो उसको एक नाम दे दिए m1। ओके, इधर भी अपने को m2 मिलेगा, क्या मिलेगा फिर m2। सेम करना है, क्या करना है, y को लेफ्ट में रखेंगे, बाकी सबको राइट में शिफ्ट करेंगे। आप लोग y को लेफ्ट में रखेंगे, बाकी सबको राइट में शिफ्ट करेंगे, तो माइनस 31 इधर आ जाएगा, प्लस 31, प्लस 6x इधर आ जाएगा तो माइनस 6x आ जाएगा। ठीक है, वापस है, माइनस इधर आया प्लस हो गया, और प्लस इधर आएगा तो माइनस हो गया। अब y के साथ कुछ नंबर है क्या, नहीं है, y के साथ नंबर नहीं है, तो x के साथ क्या वैल्यू है, माइनस 6, वो तुम्हारा m2 हो जाएगा। तो हम लोग को m2 भी मिल गया, m1 भी मिल गया। जो x के साथ वैल्यू है ना, वो वाली वैल्यू उठाना है हम लोग को राइट, जो x के साथ वैल्यू है वो वाली वैल्यू अपने को उठाना है। ठीक है, तो अब इसको कंपेयर कर लेंगे हम लोग, दोनों में बड़ा कौन है, दोनों में छोटा कौन, तो मॉड की साइन यूज़ करेंगे इसको, दो लाइन को मॉड बोलते हैं राइट। तो मॉड में माइनस नहीं देखना रहता है, तो ये 6 है, ये 3/2 है, तो 3/2 का मतलब हो गया ये डेढ़ हो गया, तो दोनों में छोटा कौन हो गया, m1, तो m2 बड़ा हो गया राइट। तो m1 इज स्मॉलेस्ट, m2 लार्जेस्ट हो गया, तो जो छोटा है ना, मतलब ये वाला वैल्यू छोटा हो गया, तो जो छोटा वैल्यू रहता है ना, वो तुम्हारा BYX बनेगा। क्या बनेगा तुम्हारा BYX, क्या बनेगा, माइनस 3/2, जो छोटा है वो तुम्हारा क्या बनेगा, BYX। ओके, और जो बचा है ना, कौन बचा, m2 बचा ना, उसको अपने को उल्टा करना पड़ेगा राइट, इन्वर्स करना पड़ेगा। तो उल्टा मतलब 6 है, उसको उल्टा करेगा तो -1/6 आएगा, -1/6, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, मान मैं BXY, क्या हो जाएगा तुम्हारा BXY। तो BYX और BXY हमने फाइंड कर लिया राइट। तो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो तुम्हारा BYX है। ओके, और जो बचा उसको हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, BXY। दोनों में छोटा को नहीं है ना, इसको उल्टा कर देना, उल्टा मतलब इन्वर्स अपन में। अभी अपने को क्या मिलेगा, अभी अपने को क्या ढूंढने का, R ढूंढना है, R रिग्रेशन कोरिलेशन। तो R का फॉर्मूला क्या, माइनस प्लस अंडर रूट BYX और BXY, ये R का फॉर्मूला है, BYX और BXY। तो अभी हम लोग दोनों के साइन देखो माइनस है, दोनों की साइन क्या है, माइनस है ना, तो इधर माइनस आ जाएगा। ठीक है, अगर प्लस रहेगा तो क्या आएगा, प्लस। अगर दोनों की साइन सेम रह गया तो दोनों प्लस में रहेगा तो दोनों माइनस में रहेगा, अगर प्लस माइनस रहेगा मतलब गलत जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब इसको रूट में डाल दें हम लोग, तो ये 3/2 है, माइनस बाहर आ जाएगा, ये 1/6 है। अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा राइट, तो सॉल्व करके आंसर रहेगा 1/2, तो ऊपर 1 बचा है और 2/2 कितना होता है, 4 होता है राइट, 2/4, तो 1 को 4 से डिवाइड करेंगे, आपको कैल्सियम अलाउ है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो डिवाइड करेंगे तो 0.25 आएगा, और जब इसका रूट निकालेंगे 25 का स्क्वायर रूट कितना आ जाता है, 5, तो 0.5, तो आर की वैल्यू कितने आ गए, 0.5, -0.5, कितने आ गया आर की वैल्यू, -0.5। ठीक है, तो ये तुमने आर फाइंड कर लिया, मतलब BYX भी ढूंढना, BXY भी ढूंढना और आर भी ढूंढना राइट। अभी अपने को क्या फाइंड करने का, एक्स बार और वाई बार, एक्स बार वाई बार को सॉल्व करने के लिए आप लोग को इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। साइमल्टेनियस इक्वेशन जो बचपन में तुम लोगों ने की है राइट, LLP में भी सॉल्व किया ना, तो इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y राइट। तो माइनस 26 को इधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 26 6x है, प्लस y है, और -31 को इधर क्या कर देता हूँ, शिफ्ट कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, +31। तो ये इक्वेशन मैंने एज इट इज़ लिख दिया राइट, सिर्फ क्या क्या नंबर को क्या क्या मैंने शिफ्ट किया।
ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया, राइट। तो अभी हम लोग इसको चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, कोई अल्फ़ाबेट नंबर सेम है क्या। वाई के साथ टू है, इधर वाई के साथ वाई है, तो ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, टू से। तो चलो इसको टू से मल्टीप्लाई करते हो, ये 12x हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा, और 31 को भी 2 से करेंगे तो 62 हो जाएगा। ये सेम नीचे लिख देंगे 3x 2y 26 है ना। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे, तो माइनस की साइन डालेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 12 में से 3 गया, 9x बचेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 62 में से कितना गाना है, 26, तो 12 में से 6 गया, 6 आया, 5 में से 2 गया, 3, तो 36 लिखा और 9 किधर डाल दिया, नीचे डाल दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके 4 आंसर आ गया, तो ये x आ गया 4। अब x की वैल्यू तुम किस में भी डालो, तुम्हारा आंसर सेम आने वाला, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, x की वैल्यू ये वाले इक्वेशन में डाल रहा हूँ, किस में, 6x प्लस y इज इक्वल टू 31। तो x की जगह पे कितना डालने का अपने को, 4, तो x के पे कितना डालने का है, 4, तो इधर 4 डाल दिया, 6 4 24, y हो गया 31, प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो इसको सॉल्व किया तो 7 आ गया, राइट। तो जो x है ना तुम्हारा, वो x बार है, ठीक है, और जो y है वो तुम्हारा y बार है, ठीक है। x को ही x बार बोलेंगे, y को y बार, ये भी तुम्हारा फाइंड हो गया, राइट। अब एक और क्वेश्चन बोला है, छोटा सा क्वेश्चन है, क्या बोला है, व्हेन फाइंड y, क्या ढूंढना है, y, और जब x कितना है, 2, तो इधर ढूंढना क्या अपने को, y ढूंढना है, तो आपको रिग्रेशन लाइन यूज़ करना पड़ेगा, रिग्रेशन लाइन y ऑन x, क्योंकि y ढूंढना है तो y ऑन x, अगर x ढूंढना रहेगा तो x ऑन y, तो रिग्रेशन लाइन y ऑन x। तो फिर क्या फॉर्मूला रिग्रेशन का, y माइनस y बार, इधर लिखेंगे x माइनस x बार, इधर रहेगा b, आगे कौन है, y है ना, तो b y x, ये रिग्रेशन लाइन है y ऑन x का। चलो इसका भी फॉर्मूला और एक लिख देता हूँ, रिग्रेशन लाइन x ऑन y, मतलब x ढूंढना रहेगा आपको, तो कैसे इसका फॉर्मूला बनेगा, इक्वल डालने का, x माइनस x बार, y माइनस y बार, b, आगे कौन x है ना, तो बी एक्स वाई, क्या आएगा, बी एक्स वाई। अभी अपनों को क्या ढूंढना है, इधर मालूम है क्या, x की वैल्यू 2 दी है, तो हम क्या करेंगे, x के जगह पे 2 डाल देंगे, ठीक है, y, y ढूंढना, y ऐसे रहेगा, y बार है ना 7, 7 डाल देंगे, बी वाई एक्स, ये देखो ना, बी वाई एक्स है ना अपने पास, माइनस 3 अपॉन 2, तो इधर लिख देंगे माइनस 3 अपॉन 2, x तो क्वेश्चन में ही दिया है 2, x क्वेश्चन में दिया ना 2, और x बार है ना अपने पास, देखो ना 4 है ना, तो ये अपना हो गया वैल्यू। तो क्या ढूंढेगा अपने को, y, मतलब जब x 2 है तो y कितना रहेगा, ओके। अब इसको सिंपली सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा, ये 2 इधर आके शिफ्ट हो जाएगा, ये 2 इसके पास आके क्या हो जाएगा, शिफ्ट, तो माइनस 3 ऐसे रहेगा, 2 में से 4 गया, माइनस 2, 3 टू 6, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, 2 इंटू वाई 2y, 2 सेवन ज़ा 14। अब इसको सिंपली सॉल्व करो, आंसर आ गया, माइनस 14 इधर आएगा तो प्लस 14, 14 और 6 20 हो गया, है ना। अब 2 किधर आ जाएगा, नीचे आएगा, तो सॉल्व करके कितना आंसर आ गया, 10। तो जब x 2 है तो y कितना रहेगा, 10। तो रिग्रेशन लाइन क्या यूज़ किया हमने, y ढूंढने का था ना, तो रिग्रेशन लाइन क्या था, y माइनस y बार, x माइनस x बार, बी वाई एक्स, अगर रिग्रेशन x ऑन y है तो x माइनस x बार, y माइनस y बार, बी एक्स बार, कौन सा वाला, ये वाला, इधर को y ढूंढना है तुमको, y बार ये हो गया ना 7, बी वाई एक्स, इसके बाद x, x तो क्वेश्चन में दिया ना, तो ये x बार 4, तो 2 में से 4 का तो माइनस हुआ है, और 3 टू 6 होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये माइनस ही रहेगा तो प्लस हो गया ना, तो 20 हो गया, फिर 2 किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो 10 आ जाएगा। तो एक सम था, ये रिग्रेशन में इक्वेशन वाला सम था, राइट। जब आपको इक्वेशन दिया रहेगा तो ऐसा सॉल्व करना, राइट। तो इसमें टेबल वाला भी सम है, डिफरेंट छोटा टेबल वाला भी सम है, तो मतलब इसमें अलग अलग टाइप के भी सम्स है, तो वो भी सब करा दूंगा। तो बेसिक से अभी स्टार्ट कर दिया, बेसिक ही नहीं, इसको हार्ड ही सम बोलने का, ठीक है, थैंक यू।